वंदे मातरम थर्ड क्लास। आज हम इंग्लिश रीडर का चैप्टर कर सिक्स चैप्टर कर रहे हैं, द किंग एंड द मंकी। आप अपनी बुक ओपन करें और मेरे साथ से रीडिंग करें। द किंग, राजा और बंदर। पहले आप ये फील करेंगे, हाउ डू यू डू योर वर्क, आप अपना वर्क कैसे करते हो, काम कैसे करते हो, केयरफुली या केयरलेसली। केयरफुली। वुड यू लाइक टू कीप फ्रेंडशिप विद ए फुलिश पर्सन, क्या आप एक मूर्ख व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप करना पसंद करोगे। नो। आगे आप रीड करेंगे लेसन। वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। ही हैड ए मंकी एज ए पेट एनिमल, उसके पास एक पालतू बंदर था। द किंग लव्ड हिज पेट एंड ट्रीटेड हिम लाइक ए फ्रेंड, वह अपने पालतू जानवर यानी मंकी को बहुत ही प्यार करता था और ट्रीटेड व्यवहार करता था। कैसे व्यवहार करता था, एक फ्रेंड की तरह, मित्र की तरह। द मंकी वाज सिली, मंकी कैसा था, मूर्ख था, बंदर मूर्ख था। बट द किंग थॉट ही वाज वेरी वाइज, लेकिन राजा क्या सोचता था कि वह बहुत ही बुद्धिमान था। द मंकी मूव्ड इन द पैलेस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, बंदर महल में इधर उधर घूमता रहता था विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी पाबंदी के। ही इवन एंटर्ड द किंग्स बेडरूम, वह यहाँ हालांकि राजा के बेडरूम में भी प्रवेश करता था। वन डे द किंग आस्क्ड द मंकी टू कीप वॉच व्हाइल ही स्लेप्ट, एक दिन राजा ने उसे अपनी निगरानी करने के लिए कहा जबकि वह सो रहा था। जब वह सो रहा था उसने निगरानी करने के लिए कहा। द मंकी वाज वेरी अलर्ट, बंदर बहुत ही सतर्क था। अब हम नेक्स्ट पेज पीरियड करेंगे, पेज नंबर 35। ओके। सडनली ए फ्लाई केम इन थ्रू एन ओपन विंडो, अचानक एक मक्खी खुली खिड़की से अंदर आई। द फ्लाई फ्लू हेयर एंड देयर इन द रूम, मक्खी कमरे में इधर उधर घूम रही थी। द फ्लाई सेट ऑन द किंग्स पिल्लो, देन तब मक्खी राजा के पिल्लो पर तकिए पर बैठ गई। उसके बाद द मंकी एज सेड टू द फ्लाई, द मंकी सेड टू द फ्लाई, बंदर ने मक्खी से कहा, हे फ्लाई डू नॉट डिस्टर्ब द किंग, हे मक्खी राजा को डिस्टर्ब मत करो, उनको तंग मत करो। द फ्लाई डिड नॉट लिसन, लेकिन मक्खी ने नहीं सुना। इट फ्लाई एंड सेट ऑन द किंग्स चेस्ट, और वह उड़ी और राजा की छाती पर बैठ गई। द मंकी वेव्ड हिज हैंड इन द एयर शू गेट आउट ऑफ द रूम, उसने बंदर ने अपने हाथ को हिलाया, हवा में अपने हाथ को हिलाया, शू ऐसी आवाज की, गेट आउट ऑफ द रूम, उसको मक्खी को कहा कि तुम कमरे से बाहर चल जाओ। द फ्लाई फ्लू अवे एंड लैंडेड ऑन द किंग्स पिलो अगेन, लेकिन मक्खी उड़ गई और दोबारा से कहाँ बैठ गई, राजा के पिल्लो पर दोबारा से बैठ गई। द मंकी वाज एंग्री, बंदर बहुत गुस्सा था। हाउ डेयर यू सिट ऑन द किंग्स बेड, कि तुम्हारी राजा के बेड पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई। शाउटेड द मंकी, बंदर चिल्लाया। आज हम यहाँ तक रीड करेंगे वन पैराग्राफ इसका और ये वाला पेज, उसके बाद नेक्स्ट पेज हम कल करेंगे। ओके। आप इसके साथ मेरे साथ साथ आप रीडिंग करेंगे जैसे मैंने आपको वीडियो में कराया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।